क्रम में टोटल 8 कंसंट्रेशन अंश होते हैं और हम लोग ने मोलारिटी पर लिया था। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक डालें पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ppm। ये कंसंट्रेशन टर्म है, पहला ये लीजिएगा इस कंसंट्रेशन मेथड इज यूज व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस इन अ गिवन सॉल्यूशन। याद रखना है आपको, जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो तो कंसंट्रेशन टर्म्स को हम पार्ट्स पर मिलियन से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये याद रखना आपको, जल्दी से लिख लीजिए कि दिस कंसंट्रेशन मेथड इज यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस इन अ गिवन सॉल्यूशन। जैसे एयर में पॉल्यूशन का अमाउंट अगर निकालना है तो वहां मोल अप्रोक्स वो न्यूमेरिकल पर डिपेंड करेगा, ये थोड़ी ना बता सकते हैं कि अप्रोक्स कितना, अल्लाह रहम करे भाई, ये तो डाटा बेस्ड है ना, कितना बस ये करना है कि सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट बहुत ही कम होगा, अब कितना होगा वो आप थोड़ी ना बता सकते हैं, माइन्यूट होगा, ये तो एक मैथमेटिकल टर्म्स है, नहीं बता सकते। खैर बस इतना बता दिया गया कि जैसे एयर में पॉल्यूशन की अमाउंट निकालना कि कितने डस्ट पार्टिकल हैं, तो वहां मोलारिटी मोलारिटी के फॉर्म में नहीं निकलेगा, वो पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में निकलेगा। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो सेकंड पॉइंट लिखे, इट इज डिफाइंड एज mass of solute present in 10^6 gram per million का मतलब यही हुआ 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। मान ले कभी फॉर्मूला भूल जाए तो मास परसेंटेज से याद रखिए, अगर यहां पर 100 100 लिख देंगे तो मास परसेंटेज हो जाएगा, 10^6 कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ, सारे लोग लिख के दिखाइए क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जल्दी टेक्स्ट मैसेज करें क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, पार्ट्स पर मिलियन टेम्परेचर। हाँ वेरी गुड, क्योंकि मास का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, जिस कंसंट्रेशन में वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होता है वो टेम्परेचर, शाहीन परवीन कह रहे हैं कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, अरे इसमें मास का इन्वॉल्वमेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, जिसमें मास होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है, ये तो मैं पहली क्लास से बता रहा हूं,
वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यस गुड, सबको समझ में आ गया? यहां तक सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं, आपको बोर्ड बहुत क्लियर दिख रहा होगा। इल्हाम, खदीजा वगैरह आई हैं? अरे चारों दोस्त जो हैं जामिया की, वो आई हैं कि नहीं? चलिए अब मैं न्यूमेरिकल करता हूं। मैं इसमें टोटल तीन चार न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर वन, इफ 5 मिलीग्राम ऑफ O2 गैस डिजॉल्व इन 5 मिलीग्राम ऑफ O2 गैस डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सी वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एक आपके पास है 6 ppm, बी आपके पास है 5 ppm, सी आपके पास है 7 ppm, डी आपके पास है 4.5 ppm। अली अली आ रहे हैं कि नहीं? अली को समझ में आ रहा है भाई? अली अली भाई को आ रहा है कि नहीं? थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी है। ओके, सब लोग रोजे से हैं कि नहीं, मोहित सैनी को छोड़कर? ओके, जोया आई है? जोया को समझ में आ रहा है? चलिए आंसर दीजिए सारे लोग। फाइव मिलीग्राम ऑफ O2 गैस डिजॉल्व इन, बी ऑप्शन है। अच्छा चलिए यहां देखिए सारे लोग, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट 5 मिलीग्राम है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। सारे लोग ध्यान दें, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट है, इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं 0.05, मास ऑफ सॉल्वेंट है 1 kg 1000 ग्राम इंटू, हम पहले इस तरह लिखेंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया था पहला ही पॉइंट, देखिए 1000 के रेस्पेक्ट में 0.005 बहुत ही कम है, तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, ppm के न्यूमेरिकल में आप मास ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन होगा, आप डायरेक्ट 1000 डाल दीजिए, बोर्ड के एग्जाम में पूरा दिखाइए। 5 × 10^-3 by 1000, तो ये पूरा कैंसिल,
ये आपके पास 5 ppm आएगा। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। ओके खदीजा आई हैं, बताइए सबको समझ में आया, लिख के तो बताइए। कोई डाउट है? वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है और इस साल जी मेंस में आया था। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये बोर्ड लेवल है, लेकिन हम बोर्ड लेवल में भी कुछ अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, चूंकि 12th के CBSE या जामिया बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा नीट लेवल तो तैयारी करनी ही पड़ेगी अच्छे से। 20 क्वेश्चन एजर्शन रीजन, जिसमें बच्चे बहुत टफ मानते हैं, समझा कि नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में डेप्थ में पढ़ना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं पीपीएम का इस साल जो जी मेंस में आया है वो मैं दे रहा हूँ, आप अपने से बनाइए। ये मैं पहले बेसिक क्वेश्चन करा दिया कि आपको फॉर्मूला वगैरह आ जाए। अब है क्वेश्चन नंबर टू, 10.303 mg ऑफ ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सी वाटर ऑफ डेंसिटी 1.03 ग्राम पर ml। ये साल जी मेंस का क्वेश्चन है। 10.30 mg ऑफ ऑटो गैस डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सी वाटर ऑफ डेंसिटी 1.03 ग्राम। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm। ए ऑप्शन 20 ppm, बी ऑप्शन 100 ppm, सी ऑप्शन 10 ppm, डी ऑप्शन 15 ppm। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। पहला काम, कोई घबराने की बात नहीं, पहला काम मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट 10.3 mg दिया हुआ है, उसके बाद अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालो। वेरी गुड शाइन परवीन, वेरी गुड, एक का आंसर आ गया। कुछ लोग है ना आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन लोग हैं, 1 मिनट भी नहीं रहते हैं, लीव करते हैं फिर आते हैं, फिर लीव करते हैं फिर आते हैं। शुजात को समझ में आ रहा है कि नहीं? शुजात साहब, ए शुजात तुमको आ रहा है कि नहीं भाई? मोहित सैनी का आंसर है सी, वेरी गुड, ए लॉट ऑफ थैंक्स मोहित सैनी। और किसी का आंसर?
खुशी खुशी आई है कि नहीं, खुशी को समझ में आ रहा है? चलिए मैं ट्राई करता हूं, सारे लोग ध्यान दें। 10 ppm, वेरी गुड। देखिए पहला काम आपको मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? सी वाटर, वो नहीं दिया हुआ है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दें। वॉल्यूम 1000 ml, 1 लीटर है तो 1000 ml, डेंसिटी बस यही एक डिफरेंस है। इसलिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस कराया 1030 ग्राम। अब आपके पास ppm है, मास ऑफ सॉल्यूट 10^3 × 10^-3। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं बिकॉज इट इज वेरी नेग्लिजेबल विथ रेस्पेक्ट टू दिस। तो 1030 × 10^6, तो ये आपके पास हो गया 1030, 1030 × 10^1000 हो गया। ये 1 0 से कैंसिल, 1 decimal नीचे हटाइएगा तो 10 आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस उसने डेंसिटी, और याद रखिए कंसंट्रेशन के अच्छे न्यूमेरिकल में डेंसिटी को जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये एकदम फंडा याद रखिए, कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में डेंसिटी जरूर देगा। अब आपको देखना है कि उस डेंसिटी का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, किसी क्वेश्चन में होता है किसी क्वेश्चन में नहीं होता है। सस्ता सारे लोग मैसेज करके बताइए सबको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आसान दिया, देखिए ये। हाँ वेरी गुड अमानुल हसन, वेरी गुड। तो आपको एकदम ये नहीं कि हमें बोर्ड लेवल में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? मैं निर्जला रिपीट कर देता हूँ। हाँ वेरी गुड, बहुत सारे का आंसर 10 ppm आया था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे वो ऐसे ही सही आंसर दें। देखिए निर्जला कुछ नहीं है, आपने मास ऑफ सी वाटर जो नहीं दिया हुआ था, तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो सी वाटर का वॉल्यूम आपको देखिए लिखा हुआ है 1 लीटर, और डेंसिटी की यूनिट है ग्राम पर ml, इसलिए लीटर को आपने ml में कन्वर्ट किया। तो 1 लीटर में 1000 ml, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1030 ग्राम आया। बाकी आपने वैल्यू पुट कर दिया मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगेन वही है कि मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ लगभग मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा, चूंकि सॉल्यूट बहुत ही मिनिमम है, वो दिखने में भी लग रहा है, तो इसलिए 10 ppm। चलिए आगे बढ़े, हुमा फिरदौस, सबको समझ में आया? तुम मैसेज करते रहो, हमको मैसेज आ रहा है। आई हैव ए लॉट ऑफ मोबाइल, हम चार चार मोबाइल से देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैसेज करते रहे, हमको दिख रहा है। आयशा खानम को अगर आया है तो बताएं। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रहे हैं, यस वेरी गुड आयशा खानम, आज आपका मैसेज आया। अब आइए, एक एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, दो न्यूमेरिकल और करेंगे कि पीपीएम को मोलारिटी और मोलारिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये तो एनसीईआरटी का है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लिखें ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर इज कॉन्टिमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म CaCl3, द लेवल ऑफ कॉन्टिमिनेशन was found to be 15 ppm. Calculate the molarity of solution
एंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो मैं दोनों आंसर उसी सीक्वेंस में दूंगा। पहले आंसर पहले आप लोग बनाइए, ओके आशा खानम आपका आंसर बी है, ठीक है चेक कर लेते हैं। ओके गुड, चलिए अब सारे लोग ध्यान दें कि जब भी एक कंसंट्रेशन कम है तो हम 15 ppm की मीनिंग याद रखें, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके पास हुआ। इससे दो चीज आपको मालूम हो गई, मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो गया 10^6 ग्राम। चलिए पहले मैं मास परसेंटेज निकाल लूं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो 15 × 10^-4%। अच्छा बी के ऑप्शन में -3 लिखा हुआ है, बी में तो बी में -4 कर दीजिए आप लोग,
बी के ऑप्शन में, एक बी के ऑप्शन में 15 × 10⁻³ है, उसको -4 बना दीजिए बी के ऑप्शन को, परसेंटेज वाला। कर लिया सारे लोगों ने? तो ये मास परसेंटेज, मास परसेंटेज सबको समझ में आ गया? यस, ओके ओके गुड। तो ये मास परसेंटेज जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया आप लोगों ने? सारे लोग बता दीजिए जल्दी से। तो यस, अब हम मोलैलिटी है निकालेंगे, तो वो तो आपको मालूम है। पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास 119.5, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास इतना ही आएगा। अब आइए देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, सारे लोग ध्यान दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को हटाएंगे। लेकिन देखिए 15 बहुत ही नेग्लिजिबल है, हम इसको लगभग 10⁶ ग्राम मान सकते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट × 10⁶ × 1000। उम्मीद है कि ये लगभग वही आएगा, मोल पर केजी। चलिए, सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया? तो बोर्ड लेवल में इसी तरह करेंगे, ऐसे इसका शॉर्टकट भी मैं बता देता हूं, बहुत आसान फॉर्मूला है। अगर ऑप्शन नहीं दिया रहे बोर्ड में तो आप इसी तरह डिटेल में बनाइएगा, अगर बोर्ड में ऑप्शन दिया रहा है तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। लिख लिया सारे लोग? ओके okay। चलिए एक शॉर्ट ट्रिक्स लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। बहुत आसान है, पीपीएम इज इक्वल टू मोलैलिटी 10³ इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये आप शॉर्टकट कर सकते हैं, बहुत आसान। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में पीपीएम कितना था? 15। मोलैरिटी निकालना था 10³ मॉलिकुलर वेट 119.5। तो देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू 15 × 119.5 × 10³। वही आंसर आएगा कि नहीं? क्योंकि देखिए इससे पहले वाले में हमने क्या लिखा था, 119.56 ऊपर 1000 से डिवाइड किया, 1000 ऊपर चला गया, तो बात तो वही होगी ना, ये 3 3 कैंसिल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप इस तरह कर सकते हैं। चलिए आया सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब आइए सबसे आसान, लिख लिया आप लोगों ने? अब आइए कि
ये बहुत आसान है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हमेशा कंपोनेंट का निकाला जाता है, तो मोल फ्रैक्शन का नाम ही है मोल का रेशो। ये तो बहुत आसान है और ये चैप्टर में बहुत आएगा, हेनरीज लॉ और ऑल्स लॉ सब में बहुत आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, ये कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। सिंपल है, शॉर्ट में मोल फ्रैक्शन किसी को भूलना ही नहीं है। मोल फ्रैक्शन भी क्या है, एक तरह का कंसेप्ट है, इसको असल में एक्स पढ़ते हैं लेकिन इसको पढ़ा जाता है काई। तो काई ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, अगर हम दो कंपोनेंट ले रहे हैं तो, तीन होता तो और सी भी लिख देते। काई बी इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर हमेशा याद रखिएगा, काई ए प्लस काई बी हमेशा वन आएगा सॉल्यूशन, इसीलिए कभी भी न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन नहीं कहेगा। मोल फ्रैक्शन हमेशा कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर इज ऑलवेज इक्वल टू वन। मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर इज ऑलवेज इक्वल टू वन, तो बस आपको मोल आना चाहिए निकालने। तो ये तो आसान है, चलिए इसमें एक दो न्यूमेरिकल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो मोल फ्रैक्शन की मीनिंग पहले लैंग्वेज से समझिए, किसी ने कहा रिपीट करने के लिए, तो मोल फ्रैक्शन मोल का रेशियो, अगर एक टर्म्स होता वॉल्यूम फ्रैक्शन तो वॉल्यूम का रेशियो। तो मोल फ्रैक्शन में क्या है, जिसका निकालना है उसका मोल निकालिए, उसको टोटल मोल से डिवाइड कीजिए। अगर मान लिया किसी मिक्सचर में दो कंपोनेंट है तो दो कंपोनेंट के मिक्सचर से डिवाइड करेंगे, तीन है तो तीन लेंगे। हमने मान लिया कि उसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए उसके मोल्स को टोटल मोल से दोनों को ऐड कर दें। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू वन। बताओ मोहित सैनी आया समझ में, अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो दूसरे कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, 0.6। यस थैंक यू वेरी मच। चलिए एक आसान न्यूमेरिकल है जल्दी कीजिए। An aqueous solution contains 28% dinitrogen W by W. Calculate the mole fraction of nitrogen. ये आपको निकालना है। वन बाय फाइव बी, फाइव बाय फोर सी, फोर बाय फाइव डी, वन बाय फोर। डी है आंसर। अच्छा
सी है, किसी का सी आ रहा है। और किसी का आंसर? चलिए कोई बात नहीं है। आयशा खानम आपका कोई आंसर, इफ्रा आपका, अनम जफर, खुशी, आयशा का ए आंसर है। चलिए ठीक है। 28% का मतलब हुआ 28 ग्राम ऑफ N2 गैस डिजॉल्व इन या प्रेजेंट इन मैं बाहर। हाँ हमेशा मीनिंग इसलिए लिखता हूं जिसका बेसिक कमजोर है वो क्लियर करें। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो मास ऑफ N2 हो गया 28 ग्राम, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लिख लेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास 1 मोल। अब आओ मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब यहाँ वाटर है चूंकि एक्वस लिखा हुआ है, तो 100 माइनस 28 72 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 72/18 4। मुझे अफसोस है कि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, उसके मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड करना 1/5, ए ऑप्शन इज करेक्ट। किसी का डी आ रहा है, समझा कि नहीं? हाँ ओके गुड थैंक यू। हाँ आयशा आपका आंसर सही है, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड। ऐसे ही अच्छे आंसर देती रहे। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्लास से इम्पोर्टेंट टॉपिक सब आप शुरू हो जाएगा। अब ये यहाँ तक था जो 11th में भी आपने पढ़ा, आप क्लास नागा नहीं कीजिएगा। अब हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ वगैरह सब टॉपिक सब आएंगे, इसलिए गुजारिश है कि अब नेक्स्ट क्लास में रेगुलर क्लास करें। लिख लिया सारे लोगों ने? बोलिए जल्दी, सारे लोगों ने लिख लिया? वेरी गुड। अच्छा ए के रॉल्स लॉ जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें कुछ शॉर्टकट आएगा, तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस आगे आएगी, क्योंकि देखिए चैप्टर में मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी ये तीन का बहुत यूटिलाइज है। इसलिए देखिए न्यूमेरिकल ना बनना एक अलग बात है, लेकिन आप कोई आगे पूछे मोल फ्रैक्शंस क्या है तो फिर तकलीफ होगी। मोलैलिटी क्या है ये दोबारा पढ़ाया जा रहा है, आपने 11th में हर जगह अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये दोबारा इसलिए 12th में पढ़ाया जा रहा है कि सॉल्यूशन चैप्टर में पूरा न्यूमेरिकल आगे जो है वो इसी पर है, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। इस तीनों के बेसिक चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, पहले आपको मैं टाइम दूंगा अगर आपसे बन जाए तो ठीक है, वो ये है कि लिखिए द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन वाटर इज 0.4, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान दें, ये आप अपने तरीके से कीजिए, क्योंकि इससे आपको आगे फायदा होगा, खासकर रॉल्स लॉ में। पहले अपने मन से कीजिए आप, जो आपको आता है वो ट्राई, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप डायरेक्ट आंसर लाएं। जोया, जोया को समझ में आ रहा है कि नहीं? जोया कोई है, एक बटला हाउस में शायद रहती हैं।
देखिए मोल फ्रैक्शन का डायरेक्ट न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, तो ये तो आपको आता ही है, जानबूझ के मैंने क्वेश्चंस करा दिया। असल यही है, मोल फ्रैक्शन देकर मोलैलिटी वगैरह कैसे निकालेंगे। चलिए मैं बताता हूं, तीन मेथड से मैं आपको बताता हूं। पहला मेथड, मेथड फर्स्ट, सारे लोग ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.4 है, तो यूरिया का मतलब सॉल्यूट हुआ, एनबी सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.4 है, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट का जो होगा वो 1 - 0.4 0.6 होगा कि नहीं, क्योंकि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है वो सॉल्यूशन का 1 के बराबर होता है। बताइए सबको समझ में आया यहां तक? अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए कि हमें मोलैरिटी निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और यही आप याद रखिएगा, काई बी बाई काई ए, अगर हम दोनों का रेशियो लें काई बी बाई काई, जल्दी से टेक्स्ट मैसेज करके बताइए, एनबी बाई एन ए लिख सकते हैं, जल्दी बताइए लिखकर, काई बी बाई काई ए को हम एनबी बाई एन ए लिख सकते हैं, जल्दी बताएं। हाँ, चूंकि देखिए काई बी जो है दोनों का डिनोमिनेटर है, एक ने कहा नो, फर्जन हसन को तो कुछ आता ही नहीं बिहारी, क्या करेगा, अल्लाह रहम करे। हाँ मानुल हसन तुम क्या कह रहे हो, सलूट कम है, तो कोई बात नहीं, सलूट तो कम होता ही है। अच्छा चलिए, जिनका बेसिक कमजोर है मैं उसको बता देता हूँ, एक्स बी एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, का ये क्या होता है, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, एन बी बाई जिस के बच्चे की तरह बता दिया, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए एन बी बाई एन ए। अब आइए कि हमें गौर से सुनना है, तो का अब आपको हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, समझा कि नहीं, तो देखिए काई भी आपको मालूम है, काई भी आपको कितना मालूम है भाई, 0.4, और काई मालूम है 0.6, ठीक है, इससे एन बी बाई एन ए का रेशियो आ जाएगा, जल्दी यहां तक सारे लोग लिखिए जल्दी से। जल्दी लिखिए सारे लोग प्लीज। ठीक है, शॉर्टकट भी बता देंगे, पहले यहां तक देखिए। अब मैं वही बात बताना चाह रहा हूं, और से सुनिए, हमें मोलैलिटी कहा है, मोलैलिटी जब कहा है तो मोलैलिटी की डिफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ए यहां पर सॉल्वेंट है तो हम इसको लिखेंगे 1000/18 55.5 मोल। जब न्यूमेरिकल में कुछ भी गिवन नहीं है तो मोलैलिटी की क्या डिफिनेशन है, मैं रिपीट कर रहा हूं सारे लोग सुने, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो वाटर का सॉल्वेंट 1000/18, तो बस यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.4 55.5 डिवाइडेड बाई 0.6। अब आओ खुद सोचो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो 0.4 55.5 बाई 0.6, मास ऑफ सॉल्वेंट देखो 1000 ग्राम का मतलब 1 kg, वही हुआ, तो दिस इज द आंसर। पहले बताओ इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, हम दोबारा समझा सकते हैं, यहां तक तो आ गया होगा, अब ये क्यों निकाला गया।
ये इसलिए निकाला गया कि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मालूम नहीं है, हमें एलबी निकालना है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, तो 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, 1000 बाय 18 55.5, हम एनबी यहां से निकाल लेंगे। अब भाई मास ऑफ सॉल्वेंट ऑब्वियसली 1 है तो 1 ले लेंगे। बताइए सबको समझ में आया? सबको समझ में आया जल्दी बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मैं शॉर्टकट भी बता देता हूं, इतना करने के टाइम ना लगे आपको। शाहीन परवीन को कुछ आ रहा है समझ में? वो बेचारी दिल्ली से घर आ चुकी हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं शाहीन परवीन? वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग लिख लिया तो बोलिएगा। मोहित सैनी आपको आया? मोहित सैनी यस। चलिए अब मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, उसका इस्तेमाल आगे भी होगा, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए काई बी बाई काई ए हमेशा, या अच्छा एक मिनट मैं लिख देता हूं, आप लोग लिखिए रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो देखिए एक तो हमेशा ये याद रखिए काई बी बाई काई ए एन बी बाई एन ए होगा, एक तो ये ठीक। दूसरा इसी को हम अगर चाहें तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। एन बी बाई एन ए को देखिए आप लोग, एन बी बाई एन ए को देखिए, NB को रहने दीजिए और से सुनिएगा। और NA क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास ऊपर चला जाएगा। दो मिनट ध्यान दीजिए, दोबारा रिपीट NB बाय NA, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसको उसी तरह रहने दीजिए। NA को लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर से। अब देखिए दोबारा देखिएगा NB बाय WA पर केजी इंटू 1000 इंटू एम ए बाई 1000 ऊपर नीचे कर दिया, कोई एक्सप्रेशन पर फर्क। देखो इसी को क्या कहते हैं, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए याद रखो हमेशा एन बी बाई एन ए इज इक्वल टू, तीनों चीज याद रखो, एम इंटू एम ए बाई 1000। दिस इज द रिलेशनशिप। एम ए क्या है यहां पर? MA यहां पर है मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो इस न्यूमेरिकल को कैसे कर सकते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.4, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.6, मोलैरिटी मालूम नहीं, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 80,000। देखो वही आंसर आएगा M इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.4 0.6 by 18, तो 80,000 by 18 55.5 ही तो होता है, तो 55.5 ऊपर चला जाएगा। तो ये राउल्स लॉ में बहुत काम आएगा आपको। बताइए सबको समझ में आया ये वाला? सबको समझ में आया शॉर्टकट काई बी बाई काई इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू एम इन टू एम ए बाई 1000। नहीं नहीं पहले से अमानुल हसन पहले से केजी में कहाँ है, हमें फॉर्मूला मालूम नहीं है केजी में है कि ग्राम में, इसलिए 1000 ऊपर नीचे कर दिया गया कि एक्सप्रेशन पर कोई फर्क ना पड़े, समझा केजी। तो इसलिए इसलिए हमें तो फॉर्मूला ड्राइव करने में मानना पड़ेगा, क्योंकि मास जो होता है वो ग्राम ही में दिया रहता है। जितना भी देख लीजिए 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 500 ग्राम,
5 kg थोड़ी ना, 5 kg तो बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए जितना भी आपको देखा होगा न्यूमेरिकल में ग्राम में ही दिया जाता है, तो आपको मालूम ही नहीं है कि पर केजी है, तो इसीलिए केजी में है या नहीं, इसलिए फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए किया गया। और देखिए आंसर भी मिला लीजिए, आंसर वही सेम आ रहा है। ठीक है, आज रमजान का पहला था, आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास पे फिर क्लास होगी। और आपको मैंने पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा दिया। अच्छा एक मिनट और सुनिए, नॉर्मेलिटी मैं कुछ स्टूडेंट को पढ़ा, जो इसमें से सारे किन किन बच्चों ने नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ा है बताएं। नॉर्मेलिटी जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो नो नो लिखकर बताएं जल्दी से। नॉर्मेलिटी जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बताएं। ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्वेल्थ में भी अगर पढ़ना। मोहित सैनी, ओके, सामिया खान नहीं पढ़ी है, निजला। चलिए एक क्लास हम लोग नॉर्मेलिटी पर ले लेते हैं, फिर हम लोग हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में जरूर आएंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी और एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल मैंने जान है मोलैरिटी का, तो उसको मैं दो कंसेप्ट से समझाऊंगा, मोलैरिटी से भी और नॉर्मेलिटी से भी। इसलिए जो लोग नॉर्मेलिटी पढ़ चुके हैं वो दोबारा पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नॉर्मेलिटी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये सब पढ़ेंगे, जो कि आपको टाइट्रेशन में, लैब में भी काम देगा। समझा कि नहीं? चलिए ओके, अल्लाह हाफिज। आप लोग अफ्तारी कीजिए, और अफ्तार के वक्त मुझे दुआ में याद रखिएगा कि सर को सेहत दे और पैसा कमाने की तौफीक अता फरमाए और अच्छी सेहत दे। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, ओके।